हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए हरियाणा में आज से प्रदेश के 7 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकुला को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया है। तो बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कई जिलों को लॉकडाउन कर दिया है और 7 जिलों को 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा में आज से प्रदेश के 7 जिलों को लॉकडाउन किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम इसमें शामिल है, फरीदाबाद इसमें शामिल है, सोनीपत इसमें शामिल है, पानीपत, झज्जर, रोहतक और पंचकुला भी इसमें शामिल है। तो इन 7 जिलों को जो है बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। 31 मार्च तक इन जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, लॉकडाउन की जरा तस्वीर दिखाइए और बताइए यहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है। जी बिल्कुल सोनिया, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की बात की थी, जिसको लोगों ने सराहाया और लोगों ने उसको अपनाया, लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार की बात करें, नॉकआउट कर दिया गया है। 31 मार्च तक ये लॉकडाउन चलेगा और तमाम जो कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया था। इस समय हूँ मैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे और आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और जो दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी दिल्ली में एंट्री नहीं कर पा रही है और उसी के साथ साथ दिल्ली से जो हरियाणा में गाड़ी प्रवेश करना चाह रही है उनको नहीं आया दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी गाड़ी को पहले रोका जा रहा है, उसके बाद उसके आइडेंटिफाई की जा रही है कि कोई हम बात करें हरियाणा पुलिस के जवान हो या दिल्ली पुलिस के या किसी भी मिलिट्री के लोग हो, उनके आईडी प्रूफ देख के उनको जाने दिया जा रहा है। उसके साथ साथ डॉक्टर है या फिर कोई इमरजेंसी ड्यूटी वाले लोग हैं उनको उनकी आईडी देख के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है, अदरवाइज किसी को भी दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और सुबह 6 बजे से इन्होंने बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो कोरोना का कहर पूरे भारत वर्ष में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 400 से अधिक मामले अभी तक सामने आए जिसमें की 7 की मौत हो गई है। तो कुछ जवान और अधिकारी हमारे साथ जरूर यहाँ ड्यूटी पे तैनात है और हम उन्हीं से भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि सुबह से किस तरीके की चुनौती इनको सामने करनी पड़ रही है और कितना कब से इन्होंने बैरिकेडिंग की थी। सुबह से चल रही है भाई साहब बैरिकेडिंग और दिल्ली ब्रेकडाउन है, दिल्ली व्हीकल नहीं जाने दे रहे हैं, जो जरूरी है वही जा रहे हैं, अन्यथा नहीं। हमने यहाँ लगा रखा है, दिल्ली पुलिस ने भी लगा रखा है। तो कोरोना के बचाव के लिए सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, तो इसमें हर भाई ने अपना सहयोग देना चाहिए, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। हम लोगों की सेवा के लिए रोड पर खड़े हैं। तो कितनी चुनौती भी आपके सामने चुनौती आ रही होंगी, क्योंकि अभी मैंने देखा कुछ लोग बहस भी कर रहे हैं हमारे साथ, अभी हमारी एक पुलिस के अधिकारी से बात करनी चाहिए हमने, लेकिन बीच में एक बड़ी खबर जरूर आई थी। लेकिन एक बार फिर हम उनका रुख करते हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो जवान यहाँ लगे हुए, कितनी मुस्तैदी के साथ आप देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के दिल्ली की तरफ रुख नहीं कर सकती है और ना ही हरियाणा में एंटर कर सकती है। तो तमाम एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से। सत्यनारायण जी एक बार फिर हमारे साथ है, तो उन्हीं से जानते हो कितनी तकलीफों का भी सामना, क्योंकि कुछ लोग हैं काफी बहस इनसे कर रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए, ना ही उनके पास कोई आइडेंटिटी है, ना ही कोई उनके पास ऐसा प्रूफ है कि भाई आप डॉक्टर हैं या फिर कोई सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। हाँ जी, जिसके पास पहचान पत्र है उसी को जाने दे रहे हैं। कई लोग वैसे ही बहस कर लेते हैं जिसके पास कुछ भी पहचान पत्र नहीं होता और कहते हम डॉक्टर हैं, हम वकील हैं, हमें वहां जाना है, यहाँ जाना है, तो उनके पास पहचान पत्र नहीं होता, वही जिद करते हैं। तो आप भी कोरोना, क्योंकि देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो आप भी जागरूकता के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं इस नाके भेड़े? भाई यही हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना है वो बहुत बुरी तरह फैल रहा है, इसमें सभी लोग कोऑपरेट करो और दिल्ली में ज्यादा मत जाओ, यहाँ भी ज्यादा इकट्ठे मत हो, तो यही सभी का भला है।
तो सोनिया, ये पुलिस के अधिकारी थे सत्यनारायण जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये भी इस नाके पे खड़े होकर एक मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इतनी भयंकर महामारी इस समय देश और दुनिया में फैली हुई है और जिसका असर भारत में भी देखा जा रहा है और उद्योग जगत में भी इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन ये NH8 है जहां गाड़ी हर मिनट में करीबन हजारों से ज्यादा गाड़ी निकलती थी, लेकिन आज की स्थिति देखें तो कुछ घंटों में हम हजारों की बात नहीं करते, कुछ गाड़ी यहां से निकलती जरूर दिखेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली और गुड़गांव पुलिस का जो संयुक्त एक ऑपरेशन है, जो बैरिकेटिंग की गई है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जो दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर को सील कर दिया गया है, क्योंकि नॉकआउट के जरिए यही अपील की जा रही है सरकार की द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी, ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर रहें और इस महामारी से बचें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और मुखातिब कराने के लिए यहाँ की स्थिति से। प्रशासन पूरी मुस्तैदी यहाँ पर जाहिर कर रहा है, तो रुख कर लेते पानीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र भी हमें मुखातिब कराएंगे पानीपत की स्थिति से, लॉकडाउन के चलते प्रशासन कितनी मुस्तैदी यहाँ पर जाहिर कर रहा है। जितेंद्र, आप भी बताएं कि पानीपत में क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है और प्रशासन कितनी मुस्तैदी यहाँ पर जाहिर कर रहा है। देखिए, मैं जब से मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हरियाणा के 7 जिलों को जो है लॉकडाउन कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन का नाम लेकर जिस तरीके से लोगों में एक डर बसा हुआ है, तो मैं लॉकडाउन का क्लियर कर दूं कि देखिए ये जो है आप अपनी अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा से आप घर के अंदर मौजूद रहेंगे, इसके अंदर जो सरकार का एक अल्टीमेटम है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, फल सब्जियों की दुकानें हैं, वो खुली रहेंगी और कहीं ना कहीं आपको अगर इसके अंदर जरूरत पड़ती है तो आप तभी घर से निकलिए और उसके बाद जो है लास्ट स्टेप हो जाता है कर्फ्यू का। लेकिन फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि पानीपत के साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूं कि रूरल एरिया के अंदर हम आए हुए हैं, गांव के अंदर हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से गांव शहरों के अंदर सभी दुकानें बंद हैं, तो आप देख सकते हैं कि जिस खेत के चारों तरफ हमें लगता हुआ खेत है और ये सड़क जो है ये पानीपत से होती हुई बाईपास, मैं कहूंगा कि एक चोर रास्ता है जिसके द्वारा लोग दिल्ली चले जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद है और लोगों में एक शांति है। ग्रामीण लोग जो है वो अपने खेतों के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं या घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देख रहे हैं तो इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई देता है, कोई भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी जितेंद्र, अगर शहर का जिक्र करें तो शहर में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली लॉकडाउन के चलते? देखिए, अगर मैं शहर की बात बताऊं आपको, तो शहर में हम देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन थोड़ा सा जिस तरीके से एक दिन जो है जनता का कर्फ्यू था उसको लेकर जो है शाम को लोग बागों ने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया था कि आप 5 मिनट तक थाली बजाकर जो है उनका अभिनंदन कीजिए जो स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं, जो आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने भी इसको एक खेल बनाया और वो आधा घंटा बाहर खड़े होकर तालियां बजाते रहे, चम्मच से वो करते रहे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक प्रधानमंत्री का दोबारा से मैसेज हुआ कि आप देखिए इस चीज को लेकर इग्नोर मत कीजिए। और ये सबसे बड़ी बात है, जो लोग आज घूम रहे हैं जिनको कोई काम नहीं है उनके लिए भी एक सीधा सा मैसेज है कि अगर वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो इसको बड़ा इजी ना लें, अपने घर के अंदर सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें, लेकिन अगर कोई जरूरी चीज है, आपको लगता है कि किसी चीज की आवश्यकता है, तभी आप निकलें और पूरी सेफ्टी के साथ निकलें। जी जितेंद्र, कल शाम का मैं जिक्र करना चाहूंगी, कल शाम क्या माहौल यहां पर देखने को मिला, लोग कितने जागरूक नजर आए और लोगों की ओर से क्या रिएक्शन जो है वो सामने आया? देखिए, सबसे बड़ी बात जो था, जिस तरीके से कल शाम की बात मैं कहूं या पूरे दिन की बात मैं कहूं, जनता का कर्फ्यू था और वो एक किस्म से आप ये कह सकते हैं वो जनता के द्वारा ही था, जनता की भलाई के लिए था और सीधी सीधी अपील थी प्रधानमंत्री की और पूरे भारतवर्ष में, मैं कहूंगा हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में, और आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, कल की जो मैं एक बात बताऊंगा कि एक जो 3 केस हुए थे वो तीनों एक महाराष्ट्र का केस था जिसके अंदर, और एक जो है आउटसाइडर से केस था, लेकिन हरियाणा के अंदर मैं बता दूं कि पानीपत की स्थिति जो है जिसके अंदर 12 की रिपोर्ट भेजी गई थी, 10 इसमें नेगेटिव पाए गए थे और एक जो है पॉजिटिव केस पाया गया था, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर जो है प्रशासन मुस्तैद है, सब कुछ बिल्डिंगों को ऐसे चिन्हित किया गया है कि अगर इमरजेंसी होती है तो उनके अंदर बेड की व्यवस्था हो जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये जो है ये देखिए महामारी का रूप ले सकता है और इसका निवारण भी आप लोगों के पास है, आप चाहें तो सुरक्षित रह सकते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं सभी मोटिव हो रहे हैं। और एक जो मैसेज था प्रधानमंत्री का वो कहीं ना कहीं बच्चों तक गया है, जिसने जो है आज अगर लॉकडाउन को लेकर पहले से ही की जाती तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी हो सकती थी, एक दिन पहले सब लोग बिल्कुल
बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और मुखातिब कराने के लिए कि यहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है लॉकडाउन के चलते, क्या गांव में और क्या शहर में नजर आ रहा है। अब रुक कर लेते हैं रोहतक की ओर, जहां से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन, आप भी बताएं रोहतक में क्या स्थिति नजर आ रही है लॉकडाउन के चलते, प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है और जनता की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रोहतक के अंदर भी जो है लॉकडाउन किया गया है, देर रात को ही आदेश जारी कर दिए गए थे, उसके बाद भी जो है लोग जो है जिस तरीके से कल जनता कर्फ्यू में लोगों ने सहयोग किया था, आज लॉकडाउन का अच्छा खासा नजर असर जो है वो नजर नहीं आ रहा। लोग सारे आम सड़कों पर घूम रहे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल शहर का लॉकडाउन प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से भी सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं राज्य सरकारों को कि वो जो है इसको सख्ती से लागू कराए लॉकडाउन को, लेकिन उसके बावजूद भी आप सड़क के ऊपर नजारा देख सकते हैं कि आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि लोग आराम से जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, किसी प्रकार का उनको कोई शौक नहीं है। हालांकि प्रशासन की अपील जो है वो कहीं ना कहीं अब नजर नहीं आ रही और प्रशासन की सख्ती भी जो है वो कहीं पर नजर नहीं आ रही थी सोनिया। तो प्रशासन की सख्ती यहाँ पर नजर नहीं है, क्या किसी प्रशासन के किसी अधिकारी की ओर से दोबारा निर्देश दिए गए हर्षवर्धन कि जनता अपने घरों में रहे और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करें? देखिए बिल्कुल, अभी जो जिला उपायुक्त हैं आरएस वर्मा, उन्होंने हालांकि अभी मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहे, केवल जरूरी काम हो उसी के लिए बाहर निकले, लेकिन लोगों को इस बात का किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। हालांकि ये महामारी जबरदस्त है, अगर ये फैल गई तो इसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं इसको मानने को तैयार नहीं है और सरेआम सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है पुलिस की तरफ से भी कोई इस तरीके के इल्जाम नहीं किए गए हैं कि लोगों को सड़कों के ऊपर आने से रोका जा सके, लोग सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि पुलिस की पीसीआर जो है वो रोडों के ऊपर गश्त करती हुई जरूर जा रही है, लेकिन किसी प्रकार का कोई खासा असर जो है वो यहाँ नजर नहीं आ रहा और सरेआम जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। जी सोनिया, और बाजार की बात करें हर्षवर्धन, क्योंकि रोहतक की अगर मेन मार्केट की बात कर ली जाए तो काफी फेमस वो मार्केट है, तो वहां पर क्या नजर आ रहा है, क्या वो मार्केट भी खुली हुई है? ये मार्केट के कुछ हिस्से सोने जो है खुले हुए हैं, कुछ लोगों के अंदर जिन्होंने समझदारी दिखाई है उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी है। हालांकि जिस तरीके से मेडिकल अस्पताल और दवाइयों की दुकान है उसके ऊपर छूट दे रखी थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और बताने के लिए यहाँ पर क्या स्थिति नजर आ रही है।